अगर आप भी चाहते हैं माँ वैष्णो रिकॉर्डिंग स्टूडियो दिल्ली से जुड़े रहने के लिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अब लाइन से एकदम से कविता नहीं पढ़ना है, गाने को बिल्कुल ये गाए तो गाने के अंदर मिठास झलकनी चाहिए, ठीक है ना? हाँ, ये बढ़िया से जैसे समीर यादव उसी तरीके से। अब म्यूजिक चलेगा इसके बाद, फिर उसके बाद वही आ जाएगा, मेरी सालू मेरी सोना, है ना? आइए। एक मिनट बेटा, आप थोड़ा आगे होइए, हाँ यहाँ रहिए, ठीक है, माइक के पास रह के, और ज्यादा मतलब जो है ना बैलेंस नहीं बिगाड़ना अपना, ठीक है? बैलेंस बना के और बढ़िया से रहेंगे, और ये डर के मत गाइए कि आप स्टूडियो में गा रहे हैं, ये सोचिए हम अपने घर में गा रहे हैं, है ना? घर में कैसे बिंदास हो गया, ऐसे टाइम ध्यान रखना है, मेरे बाबू मेरे सोना, ये जो है लाइन आपका चार बार है, उसके बाद म्यूजिक आएगा, फिर उसके बाद वो दो बार आएगा, फिर आगे की लाइन है, ठीक है? प्यार से गाइए, प्यार से उठाइए, घबराना नहीं है, डरना नहीं है, कोई लाठी से मार नहीं रहा, कोई कुछ कह नहीं रहा, बिल्कुल प्यार से गवाएंगे और प्यार से आप गाते रहेंगे, ठीक है? आइए अपने माइक पे आइए। ऐसे यहाँ मैं बोलता हूँ, इशारा करूँ ना, वही उठाओ आप, सांस ज्यादा नहीं लेना है, रेडी रहिए हमेशा, जहाँ मैं इशारा करूँ वहीं उठाइए। सांस जहाँ सांस छूटे ना, अब ये मत सोचो कि सांस टूट रहा है, फिर भी जबरदस्ती खींचना है, फिर क्या होगा, जबरदस्ती खींचेंगे तो गले में और गाने में मजा नहीं आएगा, है ना? जहाँ सांस लगे कि थक रहे वहां छोड़ दीजिए, ठीक है? उसके बाद फिर पीछे से हम उसी को दबा लेंगे, घबरा के नहीं गाना, भागना नहीं, भगदड़ नहीं मचाना है, ठीक है? अभी मीटर देख रहे हैं, फिर हम दोबारा इसको ले सकते हैं जहाँ मेरे को कमी लगेगी, मैं बैठता हूँ तो सिंगल लोग हाथ जोड़ लेते थक जाते हैं, है ना? आप तो थक नहीं रहे ना? नहीं, डर तो नहीं लग रहा ना मेरे? नहीं, नहीं, कोई डर नहीं। चलिए इसी बात पे जो है, एक बार अपने जिला का नाम बताइए, कौन सा जिला है आपका? इटावा सर। इटावा जिला? हाँ सर। तो इटावा में हिंदी बोलते हैं कि भोजपुरी? हिंदी चलता है सर, कानपुर से उधर भोजपुरी लग जाता है। तो इटावा कानपुर के आगे है कि पहले है? पहले इधर ही है। अच्छा, पहले इटावा आएगा उसके बाद कानपुर? कितना दूर का रास्ता है कानपुर? है 120 किलोमीटर। अच्छा, 120 किलोमीटर। अच्छा, तो मतलब कैसे आपको पता चला कि मतलब यहाँ पे हम कर रहे हैं, और आपका जब ये गाना बजा, हिंदी गाना गा रहे हैं? सर, मैं यूट्यूब पे आपका चैनल देखता रहा, मैंने एक चैनल देखा था आपका चैनल आ गया, फिर मैंने आपके पत्र गौर किया, मैंने देखा, अच्छा लगा मुझे। अच्छा, और भी देखे मगर आपकी बात मुझे अच्छा ही लगी, ईमानदारी लगी, तो मैंने आपको चूज किया, मैं यही जाऊँगा। चलिए, मेरी बात में सच्चाई ईमानदारी, यहाँ आने के बाद कैसा लगा? अच्छा लग रहा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब जो YouTube पे देखा आपने वैसा लग रहा है या कुछ अलग कुछ चेंज? नहीं, सेम लग रहा है, ज्यादा अच्छा लगा, वो क्या लग रहा है, कहीं बाहर नहीं हूँ, अपने घर में आ गया, दोबारा घर में आ गए। हाँ सर। चलिए, तो बस वैसे ही कि आपको देखकर कोई और आए, इसलिए आप बढ़िया गाएंगे तो फिर बढ़िया कोई आने वाले आएंगे, है कि नहीं? भाई, ये बढ़िया से गाइए, इतना अच्छा म्यूजिक बन गया है, उज्जवल बाबू ने इतना बढ़िया म्यूजिक बना दिया है, तो आप थोड़ा सा और बढ़िया से मेहनत कर देंगे ना, देखिए थोड़ा मेहनत हम करते हैं, थोड़ा आप कर देंगे, तो दोनों जब मिलकर करेंगे ना तो गाना ब्लास्ट हो जाएगा, अच्छा बन जाएगा, ठीक है? नहीं तो क्या होगा कि हम मेहनत करें और आप करें ना, तो मजा नहीं आएगा, नहीं, और फिर बाद में सुनने को क्या मिलता है,
अरे आपने तो मिक्सिंग ही अच्छा नहीं किया, जैसे एक लेडीज का आपके पास फोन आपके सामने आया ना, वो अच्छा गाती नहीं है, लेकिन मिक्सिंग आपने तो मेरी आवाज बिगाड़ दी, आपने मेरे को अच्छा ही नहीं किया। तो ऐसी भी हो, सुनने को हम लोगों को मिलता है, लेकिन क्या करें, स्टूडियो है, हम लोगों को समझाना पड़ता है, सही बात है ना। तो आइए आप बढ़िया से गाइए, दिल से बिल्कुल दिल को ये कहिए कि अपने घर में एक बार नहीं 50 बार गलती होगी ना, हम 50 बार लेंगे सर, ठीक है, टेंशन नहीं लेना आपको, ठीक है, ठीक है ना। क्या नाम था आपका, मैं नाम भूल गया, शिव कुमार यादव, शिव कुमार यादव नहीं, सुनील कुमार यादव, सुनील कुमार यादव, सॉरी, दिमाग से उतर जाता है ना। चलिए आइए सुनील जी, बहुत बढ़िया से चल, मैं बोलूंगा वहां से, ऐसे आप बोलूंगा आगे जो लाइन है ना, जो इसके आगे वाला लाइन है वो वाला लेना है, आगे क्या लाइन है, जितनी बजाए, हाँ वो मेरी सालू मेरी सोना जो भी है, कुछ नहीं होना, गाते हुए आना है, मैं ऐसे हाथ करो ना, इसका मतलब कि गाना है, साथ में गाते रहिए, और जहाँ मैं यूं करूंगा मतलब खत्म लंबा करके, कुछ नहीं होना लंबा करके, कुछ नहीं होना।